दोस्तों, अगर आप बहुत तरह के वशीकरण उपाय करके, टोटके करके, वशीकरण मंत्र पढ़ के थक चुके हैं, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान उपाय, जो कि आपके हर काम को पूरा करेगा। आपको किसी भी तरह की अगर समस्या है, अगर आपके जीवन में प्यार की कमी है, जी हाँ, हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा प्यार करने वाला मिल जाए जो कि हमारी ज़िंदगी में हमें हमेशा प्यार करता रहे और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से चलती रहे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी समस्या है कि आप जिसे प्यार करते हैं वो आपसे प्यार नहीं करती हैं, या फिर आपका प्यार आपसे रूठ गया है, बहुत समय से आपने उससे बात नहीं की है, वो आपसे बात करने को तैयार नहीं है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के करने से आपकी ज़िंदगी में आपका प्यार वापस आ जाएगा। अगर आप किसी से एकतरफा प्यार करते हैं लेकिन आप उसे बोलने से डर रहे हैं, आपको बोलने से लगता है कि वो आपसे और दूर हो जाएंगी, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे आपका जो प्यार है आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आपको इसे रात के समय सोने से पहले करना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और एक इलायची अपने हाथ में ले लें। इलायची हाथ में लेने के बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा, लेकिन मंत्र का उच्चारण करने से पहले आपको अपने प्रेमी का नाम 7 बार अपने मन में ही बोलना होगा, जो भी आपके प्रेमी का नाम हो। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये मंत्र है, ओम ह्रीम क्लीम अमुकम वश फट स्वाहा। ये जो मैंने जगह खाली छोड़ी है, यहाँ पर आप अपनी प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया है अनीता। अब जब मैं इस मंत्र को पढ़ूंगी तो मैं बोलूंगी ओम ह्रीम क्लीम अनीता वश फट स्वाहा, लेकिन इस मंत्र को पढ़ने से पहले आपको इलायची हाथ में रखनी है और आपको अनीता, जैसे कि जो भी आपकी प्रेमिका या प्रेमी का नाम है, वो 7 बार बोलना है। 7 बार बोलने के बाद आपको इलायची को अपने हाथ में रखते हुए ही इस मंत्र को बोलना है 41 बार। जी हाँ, सिर्फ 41 बार आपको इसे बोलना है और इलायची को उसके बाद आपको अपने सिरहाने यानी तकिए के नीचे रख के सो जाना है। सुबह उठकर आपको इसी इलायची पर एक बार और मंत्र करना है, सेम मंत्र आपको बोलना है और ये उपाय आपको 3 दिन तक करना है। इस तरह से करने के बाद जब 3रा दिन होगा, उस दिन आपको इलायची को जला देना है और उसके बाद जो उसकी राख निकलेगी, राख को आपको अपने हाथों पर या फिर अपने गले के पास आप इसे लगा लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि अगले दिन यानी कि 4थे दिन आपकी प्रेमिका आपसे खुद बात करने के लिए आपको कॉल करेगी या मैसेज करेगी और वो भी आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाएगी। उसके मन में भी उतना प्यार आ जाएगा जितना प्यार आप उससे करते हैं, बल्कि वो आपसे बेइंतहा प्यार करने लग जाएगी। तो अगर आप अपने प्यार को जीतना चाहते हैं तो इस उपाय को ज़रूर करें। इस उपाय को करने का तरीका, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 दिन आपको ज़रूर करना है। मन में किसी भी तरह का डाउट, कोई भी शंका ना रखें, पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें और आपका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो हमारे नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।